हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें 2D 3D कॉनिक सेक्शन एंड पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इवन मैंने 3D स्टार्ट कर दिया जहां पर मैंने पूरा का पूरा स्फीयर का जो कंसेप्ट है वो प्लस प्लैन का कंसेप्ट बता चुका हूँ। तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कॉन, और कॉन पे मैं दो क्लासेस लेने वाला हूँ। एक पे कॉन पढ़ाऊंगा, दूसरे में राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सुन, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ कॉन एंड एनवेलपिंग कॉन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, तो सुन यहां पे कौन होता क्या है। अगर हम एक पॉइंट फिक्स कर लें, राइट, अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट फिक्स कर लूं, और इस पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं यहां पे वर्टेक्स। क्लियर है? क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। मान लीजिए अल्फा बीटा एंड गामा है, क्लियर है? देन हम क्या करते हैं, सुन, जो भी हमारे पास लाइन होती है ये हमारे पास क्या होता है, सुन, एक्सिस होता है, क्लियर है? एंड इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एंगल, एक थीटा एंगल पे इसको घुमा दूं ऐसे करके, राइट, देन दिस थीटा एंगल इज नॉन एज अ सेमी वर्टिकल एंगल। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और ये जो लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, जनरेटिंग लाइन होती है। जब ये लाइन घूमती इस एक्सिस के अबाउट तो यहां जो शेप बनता है ये हमारे पास कॉन जैसा शेप होता है। और ये जो सर्कल होता है जिसपे रोटेट करता है इसको हम बोलते हैं गाइडिंग सर्कल। और ये हमारे पास क्या होते हैं, जनरेटिंग लाइन होती है। और अगर इसको मिलाएं तो यहां पर जो शेप बनता है वो हमारे पास क्या होता है, कौन होता है। इस यहां पे वर्टेक्स मैंने बताई दिया, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जनरेटर एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन। गाइडिंग कर्व क्या होता है, सुन, ये जो गाइडिंग कर्व है ये हमारे पास सर्कल हो सकता है या फिर एलिप्स हो सकता है, देखना पड़ेगा जैसा भी क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से हम यहां पर इसको करेंगे। सुन, बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व आर गिवन। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पे वर्टेक्स दे रखा है एंड आपको ये जो गाइडिंग कर्व है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी, तो यार कैसे आप यहां पे कॉन की इक्वेशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज दिस, देन हम कैसे निकालेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सुन, जो भी हमारे पास वर्टेक्स होती है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्टेक्स है अल्फा बीटा एंड गामा, और हमारे पास ये गाइडिंग सर्कल की या गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सुन, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहां पे इसकी इसकी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, राइट, है ना? तो सुन यहां पे क्या होगा, ये जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि लाइन इससे पास हो रही, वाई माइनस बीटा, एंड यहां पे क्या आएगा, सुन, जेड माइनस गामा हो जाएगा, राइट। और नीचे हमारे पास यहां पे क्या आएगा, सुन, डायरेक्शन रेशियो आएंगे या डायरेक्शन कोसाइन जो भी हमें दे रखे होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर किसी न किसी कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेंगे। अब यहां पर जो भी हमें कर्व दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है और यहां जेड इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो जहां पर भी जेड है वहां जीरो रख देंगे, उससे क्या होगा, सुन, एक्स का कॉर्डिनेट मिल जाएगा आपको यहां पर, वाई का कॉर्डिनेट मिल जाएगा, एंड जेड कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी जीरो दे रखा है। ये सब कोऑर्डिनेट जो होंगे, सुन, ये वाला पॉइंट हमारे पास जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है और यहां एलिमेंट ये है, तो हमारे पास ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और चूंकि ये पॉइंट का, ये जो पॉइंट है ये इस गाइडिंग कर्व पे क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो ये गाइडिंग कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। और जैसे हम इसको सैटिस्फाई करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, इस कर्व की, मतलब इस कॉन की इक्वेशन यहां पे मिल जाएगी। तो देखिए सुन कैसे करेंगे हम इसको। सो सुन देखिए यहां पे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो सुनो हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, जो वर्टेक्स दे रखा है वो दे रखा है अल्फा बीटा एंड गामा, और सुनो हमारे पास जो गाइडिंग सर्कल दे रखा, गाइडिंग कर्व दे रखा है वो हमारे पास पैराबोला टाइप का दे रखा है, राइट, हमें इतना इंफॉर्मेशन है यहां पे, राइट। तो हमें क्या करना है, सुन, इस कॉन की इक्वेशन निकालनी। तो यार सुन हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी जनरेटिंग लाइन आ जाएगी यहां पे, राइट। अब क्या करेंगे, सुन, हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो हम जानते हैं इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा एंड सुन ये आएगा जेड माइनस गामा, राइट। और हम जानते हैं यहां पे क्या करेंगे, आएगा एल एम एंड एन, राइट। पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुन, हमारे पास जो गाइडिंग कर्व दे रखा है वो ये दे रखा है, तो जहां पर भी जेड वहां पर हम क्या रख देंगे, सुन, जीरो रख देंगे, राइट, इसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन, ये आएगा अल्फा एंड माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये एल, उधर चला जाएगा, तो सुन ये आएगा एल गामा अपॉन एन आ जाएगा। एंड वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन, ये आएगा बीटा एंड यहाँ पे आएगा माइनस का एम गामा अपॉन एन एंड जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, जीरो। सुन ये तीनों जो पॉइंट है ये इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जहां पर भी वाई वहां पे ये रख दीजिए, तो सुन आएगा बीटा एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहां पे हमारे पास इज इक्वल टू 4a, एंड एक्स की वैल्यू आएगी अल्फा एल
बाय एन इंटू गामा आ जाएगा, राइट। सो सुन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन एम बाय एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है वाई माइनस बीटा अपॉन एम और ये आएगा जेड माइनस गामा अपॉन एन। चूंकि हमारे पास एम बाय एन की वैल्यू निकालते हैं, मैं एम उधर लेके जाऊंगा, तो सुनिए आएगा एम बाय एन इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा। सुन ये वैल्यू उठा के रखेंगे हम, तो बीटा माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू फोर ए इसमें अल्फा। यहाँ पे एल बाय एन की वैल्यू निकालनी, तो यार एल बाय एन कितना आएगा, तो एन उधर जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एल बाय एन, यहाँ से हम निकालेंगे एल बाय, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा। ये उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो सुनिए आएगा हमारे पास एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा। इसमें इसको होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, कौन की इक्वेशन आ जाएगी। तो सुन देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे, सुन ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी हमने एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कौन का इक्वेशन आ जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं, सुन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कौन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अगर हमारे पास कोई भी कौन दे रखा है जिसके अंदर उसका वर्टेक्स हमें ओरिजिन बता रखा है, तो सुन उस टाइप की जो कौन होती है उसकी इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस होती है, मतलब कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, राइट। मतलब सभी की जो डिग्री की, सभी टर्म जो होगी उसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे टू होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ कॉन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, राइट। वो इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होता है ना। सो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि द इक्वेशन ऑफ कॉन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन इज होमोजीनियस होती है, मतलब सभी जो हमारे पास एक्स वाई जेड में टर्म होगी वो सब क्या होगी, होमोजीनियस होगी, सभी यहाँ पे क्या होगी, टू डिग्री होगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, मतलब जहाँ पर भी हमारे पास ये क्वेश्चन बोला जाए कि जो कौन है उसका वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन है, तो ये दिमाग में याद रखना है कि उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक होमोजीनियस डिग्री इक्वेशन आएगा, राइट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ कॉन थ्रू द ओरिजिन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व, राइट। मतलब एक हमारे पास जो कॉन है उसका वर्टेक्स ओरिजिन है और वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या कर रहा है, पास हो रहा है, राइट। तो सुन अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन अगर हमारे पास आ रही है, अगर इसकी कौन की इक्वेशन आएगी तो वो क्या आनी चाहिए स्टूडेंट, होमोजीनियस आनी, राइट। तो यहाँ पे टू डिग्री, यहाँ पे टू डिग्री, यहाँ पे टू डिग्री है ना, पर यहाँ पे इन दोनों में टू डिग्री नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू द दिस कर्व, राइट, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, क्लियर। तो कैसे करेंगे सुन, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुनिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, राइट। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये देखो ये होमोजीनियस नहीं है, राइट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो सुन यहाँ क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ से हम इसकी डिवाइडेड बाई पी करके इसकी वन की वैल्यू निकाल देंगे, और वो वन की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी इंटू दिस हो जाएगा, प्लस बी करेंगे। अब बी में यहाँ पे तो एक भी डिग्री नहीं है, तो सुन बिल्कुल ये की वैल्यू रखेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे सुन, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू वन है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू जीरो, इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड देन सॉल्व करना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया सुन, कौन की इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुन एनवलपिंग कौन क्या होता है। सुन एनवलपिंग कौन क्या होता है, द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड एनवलपिंग कौन। इसमें आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर दे रखा है, राइट, और यहां पे कोई हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, अगर मैं इसकी यहां पे टेंजेंट खींचता हूं ना, बहुत सारे टेंजेंट में खींचता हूं, तो यहां पे जो शेप बनेगा ना, इस पर खींचने वाली जो टेंजेंट का जो शेप बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, एक कौन जैसा होगा, इस टाइप का जो कौन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे एनवलपिंग कौन बोलते हैं, राइट, है ना। तो वही यहां पे कांसेप्ट है, तो सुन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो सुन देखिए यहां पे द इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कॉन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विथ वर्टेक्स एट अल्फा बीटा गामा इज एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सुन यहां पे हमारे पास एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, यहां पे मतलब स्फीयर की जगह और कुछ और भी कर्व हो सकता है, तो अल्टीमेटली कांसेप्ट ही है, राइट, जो भी हमारे पास वर्टेक्स जिस पॉइंट पे हमारे जिस पॉइंट से हमारे पास टेंजेंट जा रही है वो पॉइंट को आप उठा के यहां रखेंगे, तो सुन यहाँ पे S1 आ जाएगा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा S S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, ये अल्फा बीटा गामा जो होता है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं उस कर्व पे टेंजेंट डाल, राइट, ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, क्लियर है ना। तो इस टाइप की जो हमारे पास टेंजेंट से जो शेप बनेगा वो हमारे पास क्या करेगा, कौन का रिप्रेजेंट करेगा, और वो कौन जो होता है वो हमारे पास क्या कहता है सुन, एनवलपिंग कौन कहलाता है। तो सुन यहाँ पे क्या होता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, आपको क्या करना है सुन एस, तो हमारे पास पूरी पूरी स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी एस वन, ये अल्फा बीटा गामा रखने पर इस स्फीयर की वैल्यू क्या आ रही है, देन टी, टी हमारे पास क्या होगा सुन, टेंजेंट टाइप की इक्वेशन है ना, वो क्या होती है सुन, हम जानते हैं टी हमारे पास क्या होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह क्या रख देंगे हम, अल्फा बीटा गामा रख देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा, अब इन तीनों की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपके पास यहां पे कौन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहां पे सॉल्व करते हैं।
एक एग्जांपल देखता हूं, उस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. द एनवेलपिंग कॉन ऑफ द स्फीयर दिस विथ वर्टेक्स 111s. तो सुन क्या करेंगे हम यहां पे, ये हमारे पास s आ जाएगा. अब 11 इसके अंदर रखेंगे तो सुन s1 की वैल्यू जब 1111 रखेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन ये आ जाएगा 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो आई थिंक 1 आएगा, राइट. इस टाइप से इसकी टेंजेंट t की इक्वेशन निकलेंगे, है ना. t यहां पे टेंजेंट नहीं होता पर टेंजेंट टाइप का हम इक्वेशन होता है, राइट, है ना. यहां पे x1 y1 z1 जो होता है वो यहां पे आएगा x plus x1 आ जाएगा, राइट, माइनस ये आएगा हमारे पास y plus y1 minus 2 हो जाएगा. इसमें x1 y1 z1 की जगह हमें क्या रख देना है, 111 रख देना है. इसको सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास 2x plus z minus 2 आएगा, राइट. ये सब वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इसमें हम इस इक्वेशन में रख देंगे s s1 = t square, राइट, एंड देन सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कौन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट. तो इस तरह से इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं. अब इसमें कुछ क्वेश्चन को समझते हैं. अगेन मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं. क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड बेस ऑफ द गाइडिंग सर्कल इज एलिप्स, दे रखा है ना, x स्क्वायर / a स्क्वायर + y स्क्वायर / b स्क्वायर = 1 एंड z = 0. तो इसमें मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं, ये हमारे पास एलिप्स दे रखा है, राइट, और ये हमारे पास दे रखा है अल्फा बीटा एंड गामा, राइट, और यहां पे हमारे पास इसकी इक्वेशन दे रखी x स्क्वायर / a स्क्वायर + y स्क्वायर / b स्क्वायर = 1 एंड z = 0. तो हम जानते हैं सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे. इसमें हम जानते हैं इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी x - alpha / l y - beta / n एंड z - gamma / n आ जाएगा, ये हमें n आएगा, राइट. और हम जानते हैं z = 0 दे रखा है तो जहां पर भी z वहां का रख देंगे, सुन 0 रख देंगे. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, सुन अल्फा माइनस l गामा अपॉन n, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस m गामा अपॉन n आ जाएगा, और z हमारे पास 0 आएगा. सुन ये सब वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, राइट. तो यहां रखेंगे तो हम क्या करेंगे, सुन l माइनस सॉरी अल्फा माइनस l गामा अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन यहां पे 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एंड 1 अपॉन b स्क्वायर सुन यहां पे आएगा बीटा माइनस m गामा अपॉन n का होल स्क्वायर = 1. सुन यहां पे वापस हम l / n की वैल्यू निकालेंगे तो यार l / n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी अगर हम देखेंगे तो सुन यहां पे l / n आएगा, वो आएगा हमारे पास l / n आएगा x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा आएगा, वो उठा के हम यहां रख देंगे, राइट. इसी टाइप से हम यहां निकालेंगे m / n की वैल्यू, तो यार m / n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन m / n आएगा, तो ये उधर जाएगा और ये आएगा यहां पे, तो सुन m उधर गया तो यहां पे हमारे पास आएगा y - beta / z - gamma. सुन ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे एंड देन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन कौन की इक्वेशन आ जाएगी. तो यार इस तरह से इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड बेस ऑफ द कर्व इज z = k एंड fxy = 0 इज दिस, है ना, आपको ये बोला जा रहा है, राइट. तो अल्टीमेटली हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, सुन जो बेस वही हमारे पास गाइडिंग कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और वर्टेक्स हमारे पास क्या दे रखा है, सुन 0, 0, 0, और ये गाइडिंग कर्व जो है वो हमारे पास दे रखा है z = k टाइप का एंड fxy = हमारे पास क्या दे रखा है, 0. तो सुन यहां पे वही कांसेप्ट रखेगा, क्या होगा सुन यहां पे x - 0 / l, है ना, y - 0 / m एंड z - 0 / n आ जाएगा. ये सुन यहां पे z की जगह हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, राइट. तो जैसे ही z की जगह k रखोगे तो सुन ये आएगा x / l y / m और ये आएगा k / n. तो यहां पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी, सुन मैं इसको निकालूंगा तो यहां पे चलो यहां लिख लेते हैं. सुन x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, kl / n, और y की वैल्यू आएगी हमारे पास km / n. इसमें ये जो वैल्यू है ये उठा के x y की वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे, तो क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास ये आएगा और ये इस गाइडिंग सर्कल पे भी मतलब इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो इसको उठा के हम यहां रखेंगे. तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगी, ये kl / n एंड ये आएगा km / n. मैंने आपसे बोला था कि l / n और m / n को हम यहां से एलिमिनेट करेंगे, राइट. तो l / n इसमें l / n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, l / n की वैल्यू हमारे पास आएगी x / k, यहां सॉरी l / n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x / z आ जाएगी, राइट. आप देख रहे हो सुन यहां पे ये मैंने पहले भी करके बताया था आपको, है ना, l / n की वैल्यू, राइट, ये l उधर जाएगा तो z इधर आ जाएगा, राइट. इसी टाइप से हमारे पास यहां पे m / n, इसमें m / n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन m / n की वैल्यू आ जाएगी y / z, ये उठा के आप रख दीजिए. तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये x k / z और यहां आ जाएगा हमारे पास y k / z, राइट. तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी और यही हमें यहां पे क्या करना था, प्रूव करना था. इस तरह से बहुत इजीली इसको हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं. इसमें आगे बढ़ते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज जनरेटिंग लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, राइट. तो हमारे पास बोल रहा है कि उसकी जनरेटिंग लाइन है वो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही, राइट, एंड हमारे पास इसको वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही. तो हम जानते हैं जनरेटिंग लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगी, हम जानते हैं यार जनरेटिंग लाइन हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली होती है, राइट. और अगर ये किसी 0 0 0 0 से क्या कर रही है,
पास कर रही, राइट, और इस रिलेशन को सैटिस्फाई करे तो हम जानते हैं ये क्या होगी, x माइनस जीरो एंड y माइनस जीरो अपॉन n एंड z माइनस जीरो अपॉन n आएगा, राइट, और हम जानते हैं बराबर हमने क्या कर दिया इसको k, तो सुनो हमारे पास यहाँ पे l की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x बाय k, एंड m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी y बाय k, और सुन n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, z बाय k आएगी। सुन ये एलिमेंट की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, जैसे हम यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जो कि एक होमोजीनियस है, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है एक्चुअली इसका वर्टेक्स ही होगा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जनरेटिंग लाइन हमारे पास क्या हो रही, 0 0 0 से क्या हो रही, पास हो रही, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका वर्टेक्स हो जाएगा, और होमोजीनियस हमारे पास क्या होगी, इसकी कौन की इक्वेशन होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सो सुन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ प्लान एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, सुनिए हमारे पास एक प्लान है जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमें दे रखी है, मेट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, मतलब हमारे पास ये प्लान दे रखा है जो हमारे पास क्या कर रहा है, सुन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ए, मतलब एक्चुअली ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो ए कोमा जीरो कोमा जीरो हो जाएगा, जीरो कोमा बी कोमा जीरो हो जाएगा, एंड जीरो कोमा जीरो कोमा सी हो जाएगा, और ये हमारे पास ए बी एंड सी पॉइंट है, और इसका जो ऑरिजन है वो हमारे पास क्या है, सुन जीरो 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 है, राइट। सो सुन क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कॉन जनरेटेड बाय द लाइन ड्रॉ फ्रॉम ओ टू मीट द सर्कल ए बी सी, तो सुन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास सर्कल जो होगा ये गाइडिंग सर्कल होगा और यहां से हमारे पास एक कोन जनरेट होगा, तो आपको उस कोन की इक्वेशन निकालना, तो सुन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्फीयर की इक्वेशन निकालेंगे, राइट, और हम जानते हैं कि जो स्फीयर की इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो ए कोमा जीरो कोमा जीरो एंड जीरो कोमा बी कोमा जीरो एंड जीरो कोमा जीरो कोमा सी से पास होने वाले जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन होती है, सुन अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है स्फीयर वाला तो आप आईटी पे जाके देख लीजिए, वहां पूरा मैंने समझा रखा है, राइट। हम जानते हैं कि जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस 2hz प्लस d इज इक्वल टू जीरो होता है, सुन सबसे पास करेंगे तो हमारे पास f, g, h और d की वैल्यू मिल जाएगी, इन सबको उठा के रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू हो जाएगी माइनस a बाई टू, g h की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b बाई टू, g की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b बाई टू, और h की वैल्यू हो जाएगी माइनस का c बाई टू, और d हमारे पास जीरो आएगा, सब पुट करेंगे दिया जाएगा, और हमारे पास जो प्लेन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सुन x by a प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, पर हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास कौन होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, हम इसको होमोजीनियस बनाएंगे, तो यहां से 1 की वैल्यू उठा के यहां, क्योंकि ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री, तो ये भी हमारे पास 2 2 डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स, इस यहाँ पे हम रख देंगे, ये आएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी, इस यहाँ से आ जाएगा माइनस का भी वाई, ये भी हमारे पास आ जाएगा एक्स बाय ए वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी, इसी टाइप से यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा सी जेड, ये आ जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या जाएगा, आंसर आएगा, तो इस तरह से बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन आएगी, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ समझा रखा है, इसमें यहाँ पे इसको देख सकते हैं, क्लियर है। सो इसमें आज के लिए इतना ही काफी है, और ये कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन रखा है, द इक्वेशन ऑफ कॉन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और इसको करने में कितना टाइम लगा प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने आपको बता रखा है 2D है, देन यहाँ पे 3D की वीडियो है, कॉनिक सेक्शन है, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये सब आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरा जो नया चैनल जिसमें मैं जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ फॉर CSIR एंड गेट एग्जाम, वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, इसमें यहाँ जाकर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स मुझे जरूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।